कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बाजार बंद के समय को लेकर चर्चा हुई एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए एवं मास्क एवं मुंह पर तौलिया गमछा रखना अनिवार्य होगा। जो लोग खुले मुंह पाए जाएंगे उन पर सख्ती की जाएगी। आने वाले दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, मोहर्रम एवं अन्य धार्मिक त्योहार होने जा रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला चिकित्सालय में व्याप्त गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समय पर सभी जरूरी चीजों की उपलब्धता की जाए। ऐसी स्थिति में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों को निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी रूम में बैठना होगा। कलेक्टर रोहित सिंह ने कहा कि लगातार कुछ दिनों से जिला चिकित्सालय से शिकायतें आ रही हैं। कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में दतिया कलेक्टर रोहित सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, एडीएम विवेक रघुवंशी, एसडीएम अशोक चौहान, तहसीलदार नितेश भार्गव, सीएमएचओ एसएन उदयपुरिया एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया आदि मौजूद रहे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।